गाइस यहां पर सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखा देता हूं, ये आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इस पे 1.5 मिलियन इंप्रेशंस हैं, व्यूज देख लो 3.5 लाख व्यूज हैं। एक और वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो पर देखो 1,29,000 टोटल व्यूज हैं। एक और वीडियो दिखाता हूं, ये देखो आउटडोर ट्विटर चैनल मैंने वीडियो बनाई थी, इसका आप इंप्रेशन और व्यूज मैं आपको दिखाता हूं। देखो लगभग 4 लाख इसके इंप्रेशंस हैं और व्यूज देखो 1 लाख से ज्यादा हैं। एक और वीडियो दिखाता हूं, ये देखो इसका भी मैं आपको एनालिटिक्स सब कुछ दिखाता हूं, इसकी रीच में जाता हूं मैं, देखो 8,70,000 इसके इंप्रेशंस हैं और व्यूज कितने हैं 1,19,000। दोस्तों अगर आपके वीडियो पर ऐसे व्यूज नहीं आ रहे हैं, आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर बट रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहे हैं, देन आज की इस वीडियो को एंड तक देखना। आज की इस वीडियो में आपको 5 सेटिंग्स बताने वाला हूं जो कि आपको जरूर कर लेनी चाहिए। अगर ये 5 सेटिंग आपने नहीं करी देन आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, व्यूज नहीं आएंगे, मेहनत करते रह जाएंगे आप। कौन सी ये 5 सेटिंग है जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर स्किप करोगे इतनी मैं गारंटी देता हूं कहीं भी समझ में नहीं आएगा, फिर व्यूज नहीं आएंगे, फिर आप बोलोगे भैया मेरे व्यूज नहीं आ रहे। ध्यान से वीडियो को देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। आगे बढ़ने पर छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस हाईएस्ट शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहली सेटिंग क्या है कि जब भी आप YouTube पर वीडियोस अपलोड करते हो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लोकेशन का, मिलता है, मैं आपको साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूं, ये लोकेशन वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको लोकेशन जरूर डालनी है। और लोकेशन कौन सी डालनी है? इंडिया डालनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपकी वीडियो इधर उधर फैल जाएगी, ऐसी जगह पर चली जाएगी जहां पर लोग ऐसी वीडियो देखते ही ना हो। तो वहाँ पर आपको कंट्री में इंडिया जरूर डाल देना है, लोकेशन इंडिया जरूर डाल देना है अपनी वीडियो में, ध्यान रखें। ये थी पहली सेटिंग। दूसरी सेटिंग कौन सी है दिखाता हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने के बाद। दोस्तों फिलहाल मैं YouTube स्टूडियो में हूँ, मैं लैपटॉप में हूँ, बट आप ये काम आप फोन में भी कर सकते हैं, गूगल क्रोम में डेस्कटॉप साइड करने के बाद वीडियो के आपको डिटेल्स में आ जाने, इस तरीके का इंटरफेस आएगा, मोबाइल में भी लैपटॉप में भी। नीचे आना है, शो मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर देखो नो होना चाहिए, ध्यान रखना है, एज रेस्ट्रिक्शन इसको भी नो ही रखें आप तो बेहतर रहेगा। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, एक ऑप्शन मिलता है आपको वीडियो लैंग्वेज का, मिल रहा है ना, वीडियो लैंग्वेज यहाँ पे कौन सी है, मैंने डाल रखी हिंदी। आप अगर हिंदी में वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पर हिंदी चूज करेंगे, ठीक है, अगर इंग्लिश में बनाते तो इंग्लिश चूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर हिंदी कर रखा है, इसका मतलब यही है मेरा वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा जो लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं, उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग वीडियो लैंग्वेज में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं या फिर इंग्लिश पता नहीं क्या क्या सिलेक्ट करके रखते हैं, अगर ये सेटिंग आपने सही नहीं करी आपकी वीडियो गलत जगह पहुंचेगी, गलत जगह पहुंचेगी तो लोग आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे, ध्यान रखना, आपका वीडियो समझ में नहीं आएगा लोगों को, देखेंगे क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट, सही वीडियो लैंग्वेज डाले यहाँ पर, अदरवाइज गलत लोगों तक वीडियो पहुंचेगी। ये थी सेटिंग नंबर 2। नो, यहीं पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिकॉर्डिंग डेट एंड लोकेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, डेट जरूर डाल दो ताकि एल्गोरिथम को समझ में आए कि आपका वीडियो नया है पुराना नहीं है। यहां पर रिकॉर्डिंग डेट जो नॉन है यहां पर इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जिस भी दिन आप वीडियो को पब्लिश करने वाले हैं, जिस भी वीडियो को अपलोड करने वाले हैं जिस दिन, वो तारीख यहां पर सेलेक्ट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर ये नहीं करोगे तो YouTube को लग सकता है कि आपका वीडियो बहुत पुराना है, हो सकता है आपका वीडियो वायरल ना हो, व्यूज ना आए, नए लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तो यहां पर डेट डालना बहुत जरूरी है भाई। एक बार सोच के देखो, जो खाना आज बना हुआ है आप वो खाना पसंद करोगे या जो खाना एक साल पहले बना हुआ है या आपको पता ही नहीं कि वो खाना कब बना है वो खाना पसंद करोगे, बताओ, ताजा ताजा खाना खाओ ना, यही काम करता है रिकॉर्डिंग डेट, जिस दिन वीडियो अपलोड करोगे वो रिकॉर्डिंग डेट डाल दो, YouTube को लगेगा भाई ताजा ताजा वीडियो है, अच्छा ही होगा, ठीक है। ये थी सेटिंग नंबर 3। सेटिंग नंबर 4 सुन लेना और बहुत ध्यान से सुनना, आपको एक और ऑप्शन मिलता है नीचे डिस्ट्रीब्यूशन का, इस पे आपको क्लिक करना है और इसको आपको एवरीवेयर करके रखना है, बहुत जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं हर जगह मेरा वीडियो पहुंचे, जहां तक लोगों तक पहुंच पाए वहां तक पहुंच जाए, ठीक है, और ये लाइसेंस है ये स्टैंडर्ड ही रखें, अदरवाइज आप क्रिएटिव कॉमन रख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सेटिंग नंबर 5 सुनो, यहीं पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है कैटेगरी का, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो है वही कैटेगरी सेलेक्ट करो, वही कैटेगरी सेलेक्ट करो, अगर गलत कैटेगरी सेलेक्ट करके रखोगे या फिर कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करके नहीं रखोगे तो मेरे दोस्त होगा ये, आप वीडियो बना रहे होगे, मान लो पढ़ाई की वीडियो बना रहे हो और वो लोग और वो पहुंचेगी भाई 50-50 साल के लोगों के पास जो तो पढ़ाई लिखाई करते ही नहीं है, ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके रखा है क्योंकि मैं ऐसे लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहता हूं जिनका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, जो यूट्यूबर हैं सिर्फ उनको, ठीक है, वहीं पर अगर ये मेरा वीडियो पढ़ाई का होता तो मैं यहाँ पे कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करता, एजुकेशन करता, अगर कॉमेडी वीडियो होता तो हम कौन सी यहाँ पर सेलेक्ट करते, एंटरटेनमेंट, समझ रहे हो, तो कैटेगरी सेलेक्ट करना, सही कैटेगरी सेलेक्ट करना
बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये पांच सेटिंग ध्यान रखना। अगर ये आप गड़बड़ करोगे तो आपकी वीडियो सही लोगों तक नहीं पहुंचेगी, सही लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचेगी तो लोग वीडियो को वॉच नहीं करेंगे, वीडियो को वॉच नहीं करेंगे लोग तो व्यूज नहीं आएंगे, और व्यूज नहीं आएंगे तो भैया कहां से आपका वीडियो वायरल होगा, कहां से वॉच टाइम मिलेगा, कहां से सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो ये पांच सेटिंग जरूर आप ध्यान रखिए, हर वीडियो में फॉलो मैं गारंटी देता हूं, आज नहीं तो कल आपका वीडियो जरूर वायरल होगा। बट सर इतनी सी है, कंटिन्यूअसली वीडियो डालते जाओ, मेहनत करते जाओ, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, साथ ही टैग करते चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। मिलता हूं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।